मसला मस्त न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। रविवार को 8वें दीक्षांत समारोह को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय स्थित डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में प्रारंभ हुआ। वहीं राजभवन से हेलीकॉप्टर के माध्यम से दरभंगा राज मैदान पहुँचे कुलाधिपति सत्यपाल मलिक। जी हाँ, वहीं कुलाधिपति सत्यपाल मलिक को पुलिस के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद कुलाधिपति डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम पहुँचे और 8वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुए। वहीं इस दीक्षांत समारोह का शुभारंभ राष्ट्रीय गान गाकर प्रारंभ किया गया। और राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह निर्गत जन्मभूमि रही है। मिथिला मंडल में संजय सेवादत्त की दास्तान कथा आईएसटीएस की भूमि है। यह भारतीय संगीत परंपरा को विश्व पटल पर स्थापित करने वाले प्रसिद्ध नवीन घराना तथा मिथिला पेंटिंग को मिथिला विश्वविद्यालय के साथ साथ महाराजा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय यहाँ के राजघराने की शिक्षा प्रेम को प्रदर्शित करता है। ऐसी गुणवत्त और पावन पूर्ण प्रदर्शित वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रगान समाप्त होने के बाद मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा कुलाधिपति को पाक चादर और फूल के गुलदस्तों से स्वागत किया गया। वहीं इस समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति प्रोफेसर पंजाब सिंह, विशिष्ट अतिथि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा उपस्थित थे। इस दीक्षांत समारोह में कुल 10 से 22 छात्राओं ने हिस्सा लिया।
गौरतलब है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में करीब 750 छात्राओं एवं 25 छात्राओं को कुलाधिपति सत्यपाल मलिक के द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। वहीं कुलाधिपति ने सभी छात्राओं को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें देश में अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ने की सीख दी। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इधर देख लो, ठीक है। अनीता मनीष कुमार विश्वनाथ झा मेमोरियल गोल्ड मेडल अवार्ड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। राष्ट्रीयता का प्रत्यक्ष परिणाम 46 वर्षों की शैक्षणिक यात्रा संपन्न कर चुका ये विश्वविद्यालय उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त कर चुका। आज के दीक्षांत समारोह की खास बात ये समाजी जैसे महान व्यक्ति जिन्होंने अब्दुल कलाम साहब के साथ काम किया और भारत के पहले फाइटर विमान तेजस के निर्माण में योगदान दिया और आज वो हमारे बीच में नहीं है, कहीं दूसरे काम में उपस्थित है। श्रीमती शारदा सिन्हा जी को आज दिलीप की मानद उपाधि देने का मौका मिला, ये भी मेरा सौभाग्य है। अब मैं असल बात पे आता हूँ। विद्यार्थी मित्रों,
ये सारी दुनिया आपके लिए खुली हुई है। एक जमाना था जब आप पढ़ के बाहर निकलते थे तो अनिश्चय का हाथ दूर होता था, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, पता नहीं होता। मैं अपने तजुर्बे से बताता हूँ, मैं एक बार छात्र आंदोलन में जेल में था, तो मैं चूंकि बी क्लास हमको मिलती थी ग्रेजुएट होने के कारण, तो मुझे एक मशक्कत ही मिलता था। पुराने जो कैदी होते हैं उनमें से एक आदमी ले लिया जाता है, उसे मशक्कत ही बोलते हैं, वो आपका खाना बनाता है, कपड़े साफ करता है, आपका जो इरेंट काम है वो करता है। तो मेरा एक मशक्कत ही था जिसका नाम वहीद था। थोड़े से दिन उसके रिहा होने के रह रहे थे, मेरी जेल लंबी थी, तो जिस दिन उसको रिहा होना था उसके दो दिन पहले वो मेरे पास आया और टूट टूट के रोने लगा। मैंने उससे पूछा कि लोग तो खुश होते हैं, तुम रिहा हो गए तो रो क्यों रहे? उसने कहा साहब, यहाँ मुझे रोटी मिलती थी, यहाँ मेरे पास ठहरने की जगह थी, यहाँ मुझे कपड़े मिलते थे, बाहर तो मेरा कुछ ही नहीं, मेरा जेल से छूते छूते सबसे ज्यादा लड़के आपके साथ बिहार के जो दिल्ली के बेटियां आगे बढ़ रहे हैं। इस बात का अफसोस नहीं है कि लड़के पीछे हैं, पर मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि भाई साहब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए और आप भी आगे बढ़िए, क्योंकि शर्मिंदगी ये होगी कि ओलंपिक के मेडल भी लड़कियां लाएंगी, कुश्ती का मेडल भी लड़कियां लाएंगी, कबड्डी में भी लड़कियां आऊंगी, हॉकी में भी कोई जीतेगी, क्रिकेट में भी कोई जीतेगी, तो फिर आप साहिबान क्या करें? आपको अपने रोल के बारे में सोचना पड़ेगा थोड़ा गंभीरता पूर्वक। जब आपके यहाँ से गरीब लड़के दिल्ली के एक एक कमरे में छह छह IAS हो सकते हैं, तो आपको तो सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, क्यों नहीं आप आगे बढ़ते हैं? मैं आपको बताऊं कि दुनिया की वही कौमें ताकतवर बनी है जिन्होंने शिक्षा के ऊपर तवज्जो दी। एक ही दृष्टांत है मेरे पास, वर्ल्ड वार सेकंड में जब ब्रिटेन का बजट पास हो रहा था तो उस वक्त वहां के वित्त मंत्री ने सारे खर्चों में सरकार की कटौती की, लेकिन शिक्षा की मद में एक भी पैसे की कटौती नहीं की। विपक्ष ने शोर मचाया कि शिक्षा में कटौती क्यों नहीं की गई, तो प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कहा कि बंबई में जो पुल टूट गए वो बन जाएंगे, जो मकान नष्ट हो गए उनका निर्माण हो जाएगा, जो कारखाने खत्म हो गए उनको हम नए सिरे से तामीर कर लेंगे, लेकिन अगर पीढ़ी बर्बाद हो गई तो उसे दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता है, लिहाजा एक भी पैसे की कटौती शिक्षा का हमें पता नहीं था कि वर्ल्ड वार सेकंड में जब बमबारी होती थी वो पार्लियामेंट पे भी गिरती, प्रधानमंत्री निवास के पास भी गिरती थी, बड़े से बड़े प्रतिष्ठानों पे भी गिरती थी, लेकिन जर्मनी और इंग्लैंड में ये अलिखित समझौता था कि हम एक दूसरे के विश्वविद्यालयों पे बमबारी नहीं करेंगे, ये है सब मुल्कों का रास्ता। और मैं आपको बताऊं, मुझे फोन आया था, लड़की ने बताया कि मेरे साथ कैंपस में छेड़छाड़ हुई, कोई मुझे बचाने नहीं आया। मैंने डीजी को फोन करके कहा, उस लड़के की गिरफ्तारी हो, और उसके बाद मैंने उनसे निवेदन किया कि जो महिला पुलिस है वो सब गर्ल्स कॉलेज के चारों तरफ ड्यूटी पे लगा दी जाए, और अब मुझे पता चला है कि जो ये उचके हैं ये उस उन कॉलेजों के आसपास जाते हुए डरते हैं। लेकिन इसकी एक बुनियादी शर्त आपको मैं बच्चियों को कहना चाहता हूँ कि आप हिम्मत के साथ बदमाशों के खिलाफ डटना सीखिए। आपके साथ कभी कोई जाती हो आप थाने में जाएं, उससे पहले हमारे यहाँ फोन करिए, मैं अपने अफसर को भेजूंगा, वो आपकी रिपोर्ट लिखवाएगा। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, मैं चूंकि अलीगढ़ से MP रहा, अलीगढ़ में गर्ल्स कॉलेज, वहां एक बहुत बड़े शायर हुए जिनका नाम आजाद, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो कुल गीत होता है वो भी उसी ने लिखा, बहुत बड़ा शायर था, बंबई में भी इसने फिल्मों के लिए लिखा, तो वो दिनों प्रोफेसर था, नौजवान था, बहुत पॉपुलर था, तो अलीगढ़ की लड़कियों ने उसे अपने कॉलेज में एक दिन बुलवाया गजल सुनने के लिए। तय हो गया वो शाम को आएगा, बड़ी गहमा गहम थी, बहुत एक्साइटमेंट था लड़कियों में कि आएगा तो क्या बोलेगा क्या कहेगा, और वो वही अंदाजे लगा रहे थे कि किस तरह की शायरी होती है, वही सारे सब्जेक्ट उसकी शायरी के होंगे, लेकिन नहीं, उसने उसने जो गजल पढ़ी अलीगढ़ के गर्ल्स कॉलेज में, उसके बाद अगले दिन
कम से कम 10 लड़कियां आजादी की लड़ाई में शहीद होंगे और उसकी वो गजल आजादी की लड़ाई के तरानों की एक किताब छपी है जिसमें बिस्मिल की गजल की है कि सर खरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, उसी में वो गजल छपी। उस गजल का एक शेर आपके सामने कहना चाहता हूँ ताकि आप हिम्मत के साथ खड़े हो जाएं। उसने लिखा कि तेरे माथे पे ये आंचल यूं फबता खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल यूं फबता खूब है लेकिन, तू इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा, तू इसका अगर झंडा बना लेती, तू इसको अगर संघर्ष का प्रतीक बना लेती तो अच्छा था। इस गजल को सुनने के बाद 10 लड़कियां आजादी की लड़ाई में चली जाती। तो आपको भी मैं कह रहा हूं कि बहादुरी के साथ खड़े हो जाइए। और अंत में हम लोगों को दो तीन मित्र हैं, लोगों को शौक है कि हम साथ में महाभारत वगैरह के देर से नींद आती है, तो महाभारत के जो जो महाभारत बनाया था राम सागर ने शायद बनाया था उसके कुछ हिस्से सुनते हैं। उसमें एक जगह द्रौपदी के पास कृष्ण भगवान जाते हैं और उससे हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं। द्रौपदी नाराज है, कहती है कि तुमने क्या एहसान कर दिया था मेरे, तो बताते हैं कि मैंने तुम्हारा चीज बढ़ाया था। तो कहती मैंने तुम्हारी उंगली कट ली थी, उसको अपनी साड़ी फाड़ के बांधा था, लेकिन कृष्ण भगवान को माया भी क्यों मैं पड़ा था, क्योंकि द्रौपदी का जब अपमान हुआ उसने तय कर लिया था कि जब तक कौरव नष्ट नहीं हो जाएंगे और दुशासन के जिसने उसका अपमान किया था दुशासन मारा नहीं जाएगा और उसके खून में बालों को डुबो नहीं दूंगी तब तक मैं बालों को नहीं मारूंगा। लेकिन कृष्ण भगवान समझते थे कि उसका गुस्सा अकेले कौरवों पे नहीं बल्कि समस्त पुरुष जाति पे इसका गुस्सा है और अगर इसको मेलो डाउन नहीं किया तो समस्त जाति के पुरुष नष्ट हो जाएंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं भीख मांगने आया, उसने कहा क्या है बताओ। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि सिर्फ दो लोगों की जान बख्श दो, मेरी और अर्जुन। मैं ये इसलिए सुना रहा कि महिला अगर अपने अपमान के लिए खड़ी हो जाती है तो वो इतनी ताकतवर हो जाती है कि कृष्ण भगवान को उससे रहती भी मांगनी पड़ती है। मैं सभी बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए खड़े रहिए। यहाँ भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वर्किंग प्लेस में भी जाओगे आपके साथ तो इतना अत्याचार होता है आपका तो पता नहीं। हमारे यहाँ तो किसी साहब इनको पैदा ही होने देना चाहते, पैदा होने से पहले मरवा देते हैं। लेकिन जो निकल आती जो आ जाती है कॉलेज में यूनिवर्सिटी में वो लड़कों से ज्यादा मेडल लेती आ जाती तो आगे बढ़ती। तो मैं आपसे हाँ आपके साथ तो अत्याचार वहीं से शुरू होता है, फिर ससुराल में शुरू होता है, फिर वर्किंग प्लेस में शुरू होता है और इससे कोई चीज आपको छुटकारा नहीं दिला सकती। सिर्फ आपका खुद का ये इरादा कि नहीं कोई अत्याचार कोई अनाचार कोई अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। और फिर कुल मिला के सारे छात्र समुदाय को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई देश सड़कों से, कारखानों से, बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं बनता है। देश देश की यूनिवर्सिटी में जाके बोला कि तुम लोग अमेरिकन विद्यार्थियों के बीच में कि तुम लोग पढ़ने लगो नहीं तो ये हिंदुस्तान के लड़के तुम्हें पछाड़ देंगे, हिंदुस्तान के विद्यार्थी और ये आगे बढ़ जाए। और ये सही सारा सिलिकॉन वैली देखो हमारे यहाँ के छोटे छोटे घरों के लड़कों ने जाके उस पर कब्जा कर लिया। तो आपके लिए पूरी दुनिया खुली हुई है, सिर्फ इरादा बांधो। कलाम साहब कहते हैं ऊंचे से ऊंचा इरादा बांधो, मेहनत करो, वो कोई चीज नहीं है जो आपको मिल ना सकती हो। यही कह के मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और वैशाख दिवस आपको आपके टीचर साहबान को सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि इतना शानदार सजा सजाया और लोकेशन कम देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए हमें इजाजत, आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज़। धन्यवाद।